हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल रेलवे बैंक इत्यादि कई सारे एग्जाम में पूछे गए सवाल। चूँकि हम लोग जानते हैं कि रीजनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, रीजनिंग मतलब सरकारी गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ, कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन डालते ही डालते हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी डाल दिया गया है। जैसे मैंने पार्ट वन वीडियो देख लीजिए जाकर, उसमें मैंने बताया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले ही कि दूसरा क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और पहला क्वेश्चन को करते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है लेकिन इतना नहीं है, लेकिन हर बार पूछे गया है दूसरा क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये दो बार पूछा गया है, और जो दूसरा क्वेश्चन है ये 5-6 बार पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करना क्या होगा, देखिए 1+4=5, 2+5=12, 3+6=21, 8+11=1, मतलब क्या होगा, तो हमें करना क्या होगा, देखिए यहाँ पर हम लोग इस तरह से हम लोग सीखते हैं। 1+4 × 1=, 4 × 4 = 5 आ जाएगा। उसी तरह हम इसको लिखते हैं, 2+5 × यहाँ पर देखिए, यहाँ एक था तो यहाँ पर एक से गुना किए, दो था तो दो से गुना करेंगे, तो 5 × 10 = 2 = 12, 3+6 × 6 और 3 है तो 3 से गुना कर देंगे, 6 × 18 = 19, 20, 21, और 8+11 = 11 लिख देंगे, उसके बाद 8 है शुरू में तो 8 से गुना कर देंगे, तो हमारे पास 11 × 8 = 88 और 8 = 96, इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, हमें देखना होगा, देखिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। 9 को लिख सकते हैं हम लोग, 9 और 28, इन दोनों में लेसन देखेंगे तो हमें क्या आता है, देखिए 9 × 3 = 27, 3 × 27 आ रहा है, एक बच जा रहा है, मतलब एक ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम लोग इसको 2 × 3 करेंगे तो 8 आएगा, और +1 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 × 3 + 1 तो 9 आ जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, 3 × 3 करेंगे और +1 करेंगे तो 28 आ जाएगा, 3 × 9 = 27 + 1 = 28। ठीक है, 217 है, तो 217 को हम लोग किसका क्यू लिख रहे हैं, 217 का हम लोग, हाँ अगर इसको हम 6 × 3 + 1 करेंगे, क्योंकि 6 × 3 = 216 होता है, और 1 जोड़ेंगे तो 217 आ सकता है, और इसको हम लोग 5 × 3 + 1 लिखेंगे, क्योंकि 5 × 3 हमेशा जानते हैं कि 5 × 3 125 होता है, और 1 जोड़ेंगे तो 126 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 × 3 = 3, तो यहाँ 4 × 3 होगा, +1 हो जाएगा, 5, 6, 4 × 3 कर दीजिए, यहाँ पर 4 × 3 करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 3 करेंगे तो 4 × 16 = 64 आएगा, अब +1 जोड़ना है = 65, यहाँ 65 आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, इसी तरह का वीडियो आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करते रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।